भविष्य की राजनीति है। अभी 63,000 वोट लाया, उसका पावर कहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी कहिए, मंत्रिमंडल की कुर्सी कहिए, राजनीति में मैं इनका सफाया करते हैं। अभी आज तक भी हम लोगों के सफ़ेद कपड़ा पर कभी दाग नहीं लगे। हम लोग पुराने सदस्य हैं और सब दिन से हम लोग सम्मानजनक समझौता होगा। 38 जिला में मैं स्वयं जाऊँगा, हमारे साथ है नाइंसाफी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो है पशुपति पारस आज एक्शन मोड में दिखे। पशुपति पारस जो है आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में इन्होंने कहा जो हमारा तैयारी जो है 243 सीटों पर हम सीधे बातचीत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है? आगामी विधानसभा चुनाव बचा है, क्या कुछ तैयारी अपना? देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफी हुआ, फिर भी मैं अपने पद से इस्तीफा दिया था और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपना नेता माना था। मैं आज भी उनको नेता मान रहा हूँ, इसमें कतई दो राय नहीं है। देश के विश्व स्तर के सर्वमान नेताओं में उनकी चर्चा है, नाम है। अब चूँकि विधानसभा का चुनाव 2025 में बहुत निकट है, मुश्किल से 15-16 महीना है, तो हमारी पार्टी का संगठन ने जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक है, ये बात सही है। हमारा संगठन पूरे देश में है और ख़ास के पार्टी से भी अधिक संगठन है मेरा दलित सेना का पूरे देश में। जब दलित समाज पर उत्पीड़न हुआ था 1983 में, तो उसमें पासवान जी ने ही दलित सेना का गठन किया था और उस समय से दलित सेना पूरे देश में काफ़ी कारगर है और आज दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो आज आपने देखा होगा कि मेन लोक जनशक्ति, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना की जॉइंट बैठक हुई थी, जिसमें मैं समझता हूँ कि 3-4 हज़ार लोगों की भागीदारी हुई और उसको ऐसा एहसास हुआ कि मैं खुद डर रहा था कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद मेरे टेलीफोन पर इतनी भीड़ होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज इतनी गर्मी होने के बाद, बारिश होने के बाद भी आपने देखा होगा कि अपार भीड़ थी और उससे मुझको काफ़ी खुशी भी हुई और मैंने आज घोषणा भी किया है कि बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में मैं स्वयं जाऊंगा और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, एक्स एमपी भी रहेंगे, चंदन सिंह भी रहेंगे और जो हमारे पार्टी में जो तमाम पदाधिकारी लोग हैं, विधान पार्षद हैं, वो रहेंगे और हम लोग पूरे जिला में जाके शिविर लगा करके हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। ये हमारा प्लान है। अक्टूबर तक, सितंबर और अक्टूबर तक, दुर्गा पूजा के बाद 30 अक्टूबर तक हम पूरी पार्टी को प्रत्येक 3800 जिला में एक तरफ मेन पार्टी का सम्मेलन होगा और दूसरी तरफ दलित सेना का सम्मेलन होगा। क्या आप सर ये कह सकते हैं जो 2025 का चुनाव जो होगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस की खेमे की है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, जो 2024 की तरह कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है? ये बात सही है कि जब हम मजबूत होंगे तभी हमको कोई पूछेगा। वैसे मैं अभी NDA गठबंधन का मैं सहयोगी दल हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि 2025 का जो चुनाव है मैं NDA गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ें। यदि हमारी भागीदारी होगी, उसमें सम्मानजनक समझौता होगा, तो निश्चित रूप से हमारा प्रथम चॉइस रहेगा, प्राथमिकता है हमारा कि हम NDA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। यदि NDA गठबंधन के लोग उचित सम्मान नहीं दिए, सीट नहीं दिए, तो उस परिस्थिति में हमारा पार्टी के संगठन जब 243 पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करें। लेकिन कहने करते सर, आपको ये लग रहा है ज़रूरत है जो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं घूमना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होगा? हाँ, वो देखिए, हम लोग तो संगठनकर्ता शुरू से रहे हैं भाई साहब। देखिए जाजी, हम 77 में पहली बार विधायक बने थे, 7 बार हम बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे और 9वीं बार हम लोकसभा के सदस्य हुए। मैं समझता हूँ कि हमारे समय का, हमारे टाइम का एक भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है। अभी सिर्फ एक सिर्फ है, कोई एक हुआ है। हमारे समय के जितने भी लोग थे सब लोग भूतपूर्व हो गए या इस दुनिया छोड़ के चले गए। हम लोग पुराने सदस्य हैं और सब दिन से हम लोग संगठन करता रहे हैं। आखिर कहाँ चुप हो गए पशुपति पारस जी, जो 24 में कहीं ना कहीं आपको इस ये दुख, ये कसक जो है दिखता है आपकी बातों में, 24 में हम लोग
जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य रहे हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा हम लोग करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब से हम NDA के गठबंधन में थे या भारत सरकार के मंत्री भी थे हम, तो हम जितना भाजपा और NDA गठबंधन के बारे में या माननीय प्रधानमंत्री जी की जितना मैं तारीफ़ करता था, शायद भाजपा के लोगों भी उतना तारीफ़ नहीं किए होंगे। लेकिन अब हम लोग चूँकि दलित परिवार से हैं, हम लोगों के पास में पैसा नहीं है, साधन की कमी है, तो हम लोग उतनी दूरी तक नहीं जा पाए कि जो होता है कि आजकल का ताम झाम है, झूठ बोलना, किसी से पैसा ठग लेना, प्रोग्राम कराना, ये कराना, वो सब हम लोग के नेचर में नहीं है। और वही कारण है कि 47 वर्ष के बाद भी आज तक भी हम लोगों के सफ़ेद कपड़ा पर कभी दाग नहीं लगा। तो हम लोग सीधे चलने वाले आदमी हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, सीधे चलने वाले आदमी हैं। हमारे हिसाब से तो हमसे कहीं चूक नहीं हुई, हमसे कहीं चूक नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग उससे फिराक में थे, हमसे कुछ व्यक्तिगत लोगों को दुश्मनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, व्यक्तिगत दुश्मनी थी, तो लोग चाहते कि इनको हम राजनीति में इनका सफाया करते हैं। लेकिन राजनीति में कोई सफाया होता नहीं है, जब दिन है तो रात होगा, जब रात है तो दिन होगा, नहीं तो सुख दुख, गरीब अमीर, देखिए सत्ता किसी का बपोटी चीज़ नहीं है। एक जान लीजिए, जिस तरह से मनुष्य के जीवन का 1 सेकंड का वैल्यू नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कर सकता कि हम 1 घंटा जीवित रहेंगे, 1 घंटा का 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। उसी तरह से पावर है, सत्ता, सत्ता का भी वही हाल है, जो मनुष्य के जीवन का चक्र भी है, उसी तरह से सत्ता घूमते रहता है, कब आपके पास सत्ता आएगा और कब चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सत्ता को, उस कुर्सी को हम अस्थाई कुर्सी नहीं मानते हैं, इसे ज़िंदगी अस्थाई नहीं है, अस्थाई ज़िंदगी। उसी तरह से सरकारी कुर्सी जो है, जिसको आप पावर कहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी कहिए, मंत्रिमंडल की कुर्सी कहिए, लोकसभा की सदस्यता कहिए, जो भी कहिए, वो अस्थाई नहीं है। जबकि भी समय की बात है, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता, मैं बार बार कहता हूँ, जब समय आएगा तो कुर्सी आपसे आप आपके निकट आएगा, जब आप मेहनत करिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने कहा आप मतलब जदयू, आपने कहा जो हम NDA के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो क्या लगता है अगर आपको 2025 में NDA से सम्मान मिलेगा? मुझको तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि NDA की तरफ से जो हमारा स्टेटस है, जो हमारी पार्टी का संगठन है, उसके मुताबिक NDA गठबंधन के तहत हमको सम्मान मिलेगा। अच्छा तरारी को लेकर के पशुपति जी आपने घोषणा की। तरारी के लिए मैंने इसलिए कहा कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो श्री सुनील पांडे जी, उसमें हमारे पार्टी में कुछ चल रहा था मतभेद, तो सुनील पांडे जी उसमें निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चूँकि हम 20 के चुनाव में हम लोग बहुत एक्टिव नहीं थे, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने 63,000 वोट लाया। भाजपा का जो उम्मीदवार था उनकी जमानत जब्त हो गई, मात्र 13,000 पर जाकर सिमट गए, और सेकेंड में सुनील पांडे जी हुए, जो जीतने वाले उम्मीदवार थे माले का, उनको 73,000 वोट आया था। तो 10,000 के अंतराल में उनकी हार हुई है या माले के उम्मीदवार की जीत हुई, तो वो मेरा हक बनता है, और हमारे पास सबसे अच्छा सूटेबल उम्मीदवार है, तो मैं अपनी मांग को रखा हूँ। मैं इसके संबंध में, क्या इसके लिए किसी से बात हुई अभी तक? अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं बात करूंगा, बिहार के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बात मैं करूंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, मैं उनसे भी बात करूंगा, मैं उनको पत्र भी लिखूंगा, पहले चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाए, चुनाव का जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हम विधिवत दोनों आदमी से मिल के आग्रह करेंगे कि आप एक सीट तरारी हमारा दीजिए। सुनील पांडे जी लगातार तरारी में एक्टिव है, अगर बात नहीं बनी तो फिर क्या अपने पार्टी से लड़ेंगे, वो फिर क्या करेंगे? वो तो भविष्य की राजनीति है, अब ये कहना उचित नहीं होगा, ये कहना उचित नहीं होगा, समय का इंतजार करिए। भले जनता दल यू और भाजपा ज्वाइंट है, तो जनता दल यू का सीट नहीं है, सीट भाजपा का है, तो भाजपा की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद भविष्य की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अच्छा एक अंतिम सवाल लेंगे, 2025 में अगर मान लीजिए आपको NDA से साठगांठ नहीं होती है, तो क्या महागठबंधन की तरफ भी झुकाव हो सकता है आपका? हम अपने पार्टी का अलग अस्तित्व बना के रखेंगे, 243 पर रहेंगे। हाँ संगठन मजबूत, हाँ पहले तो मेरा प्रयास रहेगा कि NDA गठबंधन में हम जाएँ, NDA गठबंधन के लोग हमको सम्मानजनक सीट दें, यदि नहीं होगा तो हम अकेले रहेंगे।
क्या आप मानते हैं जो क्या कहते हैं बीजेपी, जो आपका बीजेपी से नज़दीकियां थी, मंत्री पद था, इसमें कहीं ना कहीं दूरी आई है, या फिर वो समय, आपने समय का उदाहरण दिया, वो समय था इसीलिए ऐसा हुआ? तो स्वाभाविक है, सत्ता का गेम होता है, जो व्यक्ति पावर में रहता है उसकी पूछ होती है। ये तो व्यवहारिक पहलू है पूरे देश में कि उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को प्रणाम नहीं करता। तो हमारे साथ में वही हुआ, उसमें हम सरकार में थे, भारत सरकार के मंत्री थे, तो अधिक वैल्यू था अधिक। लेकिन आज चूँकि हम भारत सरकार के मंत्री नहीं हैं, सांसद भी नहीं हैं, तो अभी जो प्रतिष्ठा उस समय मिलता था वो आज की तारीख में नहीं है। एक सवाल, अंतिम सवाल हम लेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा नहीं, ये जनता का, लोगों में भी जिज्ञासा है, क्या अब 25 में ये हो सकता है दोनों पार्टी जहाँ से बटे हैं एक होने की संभावना है, या फिर एक होने की कोई बात ही नहीं उठता है, पशुपति पारस अपना अकेले रहेंगे, जैसा उनको संगठन मजबूत करना होगा वो करेंगे, या दोनों एक हो सकता है? देखिए आप ताली बजाइए तो एक हाथ से बजेगा कि दोनों हाथ से बजेगा ताली? एक हाथ से चुटकी बजेगा, ताली नहीं बजेगा। तो जब दोनों दल की सहमति होगी, दोनों दल लोगों की सहमति होगी, तब तो पार्टी के बारे में कुछ विचार किया जा सकता है। अभी वो अलग है, हम अलग हैं, ऐसा प्रस्ताव है तो पशुपति पारस नहीं, वो परिस्थिति की बात है, वो भविष्य की बात है, उसकी चिंता मत करिए, प्रेजेंट की चिंता करिए। चलिए, तो पशुपति पारस हमारे साथ थे, बड़ा ही बेवाकी से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम बिंदु पर इन्होंने बातचीत कही। और जो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर किसी को सुनू के साथ। अंशु जाहवी, टीवी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।